Welcome back. You're watching NewsX with me, Rishika Barua. A big breaking story coming in at this point in time. Arun Jaitley is in fact in Bhopal in Madhya Pradesh. He is releasing the BJP's manifesto document ahead of the impending Madhya Pradesh elections. Well, the all-important manifesto of 21,000 करोड़ का बजट छोड़ के गई थी, आज तकरीबन 10 गुना ज्यादा के नजदीक है। और जब साधन बढ़ते हैं तो उन साधनों का प्रयोग भी जो समाज का सबसे गरीब होता है, पिछड़ा होता है, उसके लिए सबसे अधिक होता है। और आज केवल वही नहीं, मध्य प्रदेश पहले उन राज्यों में से था जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए 7th पे कमीशन लागू कर दिया, क्योंकि शासन के पास साधन थे। यहां का जो शहरी विकास हुआ है, जब शहरों का पूरा सूची बनती है तो कल्पना थी कि मध्य प्रदेश के दोनों बड़े शहर पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करेंगे। आज देश के साथ अन्य क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में एक बीमारू राज्य को ले आना और लाना ही नहीं, उसको अग्रसर लाकर खड़ा कर देना। इसके लिए मैं तो मध्य प्रदेश सरकार को और शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई का पात्र मानता हूं। और आज देश में दोनों स्थानों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में एनडीए की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में। अगर इसी मॉडल को आप वहां ले जाएं, इतिहास का केवल यही काल है पिछले 4 वर्षों का, और ये अगले कुछ वर्ष चलने वाला है, जो मोदी जी की एक प्रकार से लेगेसी होगी कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़ने वाले हम हैं विश्व में से। और ये व्यापारी और उद्योग वर्ग के लिए है। पिछले 4 वर्षों में सहजता और सरलता आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आए। कांग्रेस पार्टी 190 देशों में से हमें 142वें स्थान पर छोड़ के गई थी। उस 142वें स्थान से ये सरकार 77 तक 65 पोजीशन, जो कि आज तक किसी ने इतनी शीघ्रता में हासिल नहीं की है। वहां भी कंपटीशन बहुत है, बहुत प्रयास करोगे तो 2-4 बढ़ोतरी होती है। पिछले वर्ष 30 स्थानों की हुई, इस बार 23 स्थानों की हुई। और लगता है कि आने वाले वर्षों में और इस वर्ष में जो हमारा टारगेट था कि पहले तो 50 में पहुंचे, और अब वो 50 में पहुंचना अपने आप में जो बहुत दूर दिखता था, आज इतना दूर नहीं दिखता। और इसका प्रत्यक्ष असर क्या है? इसका प्रत्यक्ष असर ये है कि आज देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस, नीति निर्माण के कार्य को लकवा, ये विश्व कहावत यूज करता था हिंदुस्तान के लिए, सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाएं, फ्रेजाइल 5, 2013 में यह शब्दावली का प्रयोग होता था। अब होता है कि विश्व की सबसे बड़ी तेजी से। इसका असर देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कोई सड़क निर्माण कार्य में आने वाला नहीं था, क्योंकि जो बनाते थे उनके देने के साधन नहीं थे सरकार के पास। और आज प्रतिवर्ष 10,000 किलोमीटर, जब विदेशी मित्रों को बतलाते हैं कि 10,000 किलोमीटर हर साल बनते हैं हाईवेज, 140 के नजदीक एयरपोर्ट्स, छोटे छोटे शहरों में आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन, और इसका देश के गरीब को कितना लाभ हो रहा है मैं केवल आपके समक्ष दो चीज रख दो। जो गरीब आदमी को केंद्र खाद्यान्न देता है राज्यों के माध्यम से सस्ता, आज हम स्थिति में है कि उसमें 1,62,000 करोड़ का हर वर्ष देते हैं फूड सब्सिडी। तो कोई गरीब ये नहीं कह पाएगा कि मुझे खाने के लिए खाद्यान्न नहीं मिलता। अब वितरण की कोई समस्या किसी राज्य में हो तो वो दूसरा विषय है। मनरेगा कांग्रेस ने बनाई, जितना वो खर्चते थे हम उससे दुगना खर्च रहे हैं। ग्रामीण सड़कें लगभग 7 लाख गांव तक हम पूरा उसको कंप्लीट करने की स्थिति में आज पहुंचे हुए हैं, 3 गुना ज्यादा उस पर खर्च रहे हैं। अब गांव में रहने वाला व्यक्ति उसके गरीब है तो खाद्यान्न पहुंचेगा, रोजगार नहीं है तो रोजगार भी मिलेगा, बैंक का उसका खाता भी खुल गया है। 32 करोड़ लोगों को बैंक के साथ जोड़ दिया, 13 करोड़ को मुद्रा योजना के माध्यम से सहायता की कि अपना व्यवसाय शुरू करो। और उस गांव में आज एक गांव नहीं छोड़ा जहां बिजली नहीं है। बिजली वाले गांव में भी 4 करोड़ घर ऐसे हैं देश में जो बिजली की कीमत नहीं अदा कर सकते, वो इतने गरीब थे। उनको सरकारी खर्चे पर 31 दिसंबर तक पूरा। That of course was Arun Jaitley releasing the manifesto of the Bharatiya Janata Party in Bhopal ahead of the Madhya Pradesh elections.